ये स्टैंड पर कौन ले ले है? जो गणतंत्र के साथ हम आपका स्वागत करते हैं और अब मैं जिलाधिकारी महोदय से पुनः आगमन करना चाहूँगा माननीय मंत्री कृषि विभाग बिहार सरकार डॉक्टर प्रेम कुमार जी का। अरे वही चक्कर में फूल प्रेम तो भाई है भाई जी, बैठिए ना, उनको भी बैठाइए जरा सर, बैठाइए, कोई फायदा नहीं है हम लोग को। फिर जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन सरकार के आदमी के। कल तो चलिए मोबाइल कंपनी लोग अभी खाली बाएं दाएं कोई ना होवे। और बीच के साथ आज पितृपक्ष महासंगम 2019 का शुभ उद्घाटन हो चुका है। देश विदेश से आए हुए तमाम श्रद्धालुओं, तमाम पितृदानियों के उनकी सुविधाओं का ख्याल बिहार सरकार हमेशा से करती रही है और इस बार और भी बेहतरीन व्यवस्थाओं के साथ बिहार सरकार ने तैयारी। पिंडदान के 15 दिन सड़क पर एक तिनका भी गिरा हुआ दिखाई न पड़े, कहीं कोई गंदगी दिखाई न पड़े। और मुझे खुशी की जिला प्रशासन और नगर निगम ने बड़े पैमाने पर सफाई की यहाँ व्यवस्था की है। और मुझे डीएम साहब ने यह भी बताया कि जो पिंडदान की सामग्री है उसके कारण भी काफी गंदगी फैल जाती थी, इस बार इन लोगों ने उसकी यांत्रिक व्यवस्था की है और पिंडदान की जो सामग्री है उसकी कंपोस्टिंग करने की व्यवस्था की है ताकि पिंडदान की सामग्री का भी ठीक से निष्पादन किया जा सके। और मैं खास करके पंडा समाज के लोगों की और बहुत बड़ी भूमिका रही है। मित्रों, अगर आपने किसी को तिरुपति जाने का मौका मिला होगा, मीनाक्षी मंदिर जाने का मौका मिला होगा, दक्षिण के मंदिरों में जाइए, इतनी स्वच्छता आपको दिखाई पड़ेगी कि जिसको ईश्वर में भरोसा नहीं है उसको भी भगवान में भरोसा हो जाएगा, एक मन को शांति मिलेगी। हमारा दुर्भाग्य है कि उत्तर भारत के मंदिरों में इतनी गंदगी दिखाई पड़ती है कि कई बार जाने का मन नहीं करता है। लेकिन मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ के मंदिर का कायाकल्प कर दिया, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने बौद्ध गया और गया का कायाकल्प कर दिया।